नमस्कार। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी नंबर 5। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। कुछ नहीं करना है, इन सब का स्क्वायर तो होगा ही, और टू लगा करके एक्स इंटू वाई टू एक्स वाई, फिर वाई इंटू जेड टू वाई जेड, फिर जेड इंटू एक्स टू जेड एक्स, है कि नहीं। तो फार्मूला सिंपल सा है। अब आप इस बेसिस पे जो है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। a की जगह पे 3a है, b की जगह पे 4b है, c की जगह पे 5c है। इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b, है ना, प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। कोई दिक्कत। 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर, 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर, 5 का 25c स्क्वायर, प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24ab, प्लस 2 4 जा 8 5 जा 40bc, प्लस 2 5 जा 10 3 जा 30ca। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, बना सकते हैं ना। वैसे ही माइनस वाला भी, माइनस में भी कुछ करना थोड़ी है। जैसे 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4a प्लस माइनस 2b, है ना, लिख सकते हैं ना भाई, फिर प्लस माइनस 3c। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसका होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये वही चीज है, 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a। ठीक, बस सॉल्व कर लीजिए। इधर पे 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस ये माइनस 2b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही रहता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3c है तो माइनस 3c का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 c स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 2 4 जा 8 2 जा तो प्लस, और ये माइनस है इसलिए फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो माइनस 16ab, फिर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12, और ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12bc प्लस 12bc, और ये भी यहाँ पे 2 3 जा 6 4 जा 24, और ये माइनस है इसलिए फिर माइनस, एक माइनस है तो इसलिए माइनस 24ca। ठीक है, बस समझ में आ गया, इस तरीके से करना है, कर सकते हैं ना। अब आपको फैक्टराइज करने के लिए दिया है, तो अब जैसे मान लीजिए फैक्टराइज करने का एग्जांपल नंबर 21 बता दिया, यही था फैक्टराइज करना है 21 में। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, यहां देखिए
ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, उसी के जैसा है ना, है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ए जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अच्छा यहां पर प्लस टू इंटू एक्स इंटू सॉरी टू इंटू टू एक्स, क्योंकि ए तो क्या था, टू एक्स था ना यहाँ पे, इंटू वाई लिख सकते हैं ना। लेकिन कोई ना कोई एक जरूर माइनस है, कौन सा माइनस है जिसके कारण ये फोर एक्स वाई हो गया, माइनस फोर एक्स वाई आया। अगर हम लोग देखें तो वाई को अगर माइनस लेंगे, वाई को अगर माइनस लेंगे तो उस वाई के कारण ये भी माइनस है, वाई जेड वाला भी माइनस है, वाई जेड वाला माइनस है और एक्स वाई वाला भी माइनस है। तो उस मतलब यानी कि दोनों में वाई वाई कॉमन है, वाई दोनों में है, जो कि जिसके कारण नेगेटिव हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब कि वाई को हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं, तो इसको माइनस वाई ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर किए थे उसको माइनस वाई का होल स्क्वायर ले सकते हैं, है ना, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर भी तो प्लस वाई स्क्वायर ही होता है, होता है ना। अब हमको प्लस वाई स्क्वायर दिया लेकिन ये नहीं पता कि प्लस है कि माइनस है, वो चीज यहां से पता चल रहा है। यहां से क्या पता चल रहा है, जब ये फोर एक्स वाई था उसके आगे माइनस लगा था, या तो एक्स माइनस होगा या तो वाई माइनस होगा, है ना। यहां पे वाई जेड था तो उसके आगे भी माइनस लगा था, टू वाई जेड था, तो या तो वाई माइनस होगा या फिर जेड माइनस होगा। इधर देखिए, वाई माइनस हो सकता है या फिर जेड माइनस हो सकता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहां पे एक्स वाई में भी यहां पे माइनस था उसमें वाई था, यहां जेड वाई जेड है उसमें भी माइनस है उसमें भी वाई है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वाई नेगेटिव होगा, इसीलिए हम लोग वाई को यहां पे नेगेटिव ले लिए, जिसके कारण दोनों नेगेटिव हो रहा था, है ना। फिर प्लस, आप देखिए प्लस फोर एक्स जेड है तो इसको टू इंटू टू एक्स इंटू जेड कर सकते हैं। अब ये जेड पॉजिटिव क्यों है, मतलब एक्स और जेड दोनों पॉजिटिव है तब तो ये प्लस आया है ना, इसका मतलब ये दोनों में वाई ही था जो कि इन दोनों को नाश मिला के रखा था, माइनस करके रखा था, ठीक है, बस समझ रहा है ना। तो वही चीज़ें, तो अब हो तो गया क्या, ये 2x प्लस ये माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। यही नेक्स्ट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर सिक्स। आइडेंटिटी नंबर सिक्स कहता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप लोग ये सब एट्थ क्लास में भी पढ़े हैं, है ना। तो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई इंटू वाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। और सातवां है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, है कि नहीं, समझे। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, इसको भी आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये वाई क्यूब। बस समझ में आ गया, बस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एग्जांपल नंबर 22 कर सकते हैं ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 3a प्लस 4b का होल क्यूब कर सकते हैं, इसको हम नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23, फर्स्ट क्वेश्चन है 104 का होल क्यूब, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, 100 प्लस 4 का होल क्यूब हो तो गया। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, है ना, तो क्या करेंगे, a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब
प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू 100 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू सॉरी 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 ए स्क्वायर इंटू बी हो गया 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू 100 इंटू बी स्क्वायर ठीक है और प्लस ये 4 का क्यूब तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा इतना होगा 10 लाख है कि नहीं प्लस 3 इंटू ये 10,000 3 4 जाए तो 12 हो जाता है तो 12 इंटू ये 10,000 प्लस 3 इंटू ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16 थ्री जा 4800 प्लस ये 4 का क्यूब 64 4 2 ये इतना हो जाएगा 1124864 है ना तो ये उसी तरह आपका ये 999 का क्यूब है इसको हम लोग 1000 - 1 का होल क्यूब लिख देंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूला से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं है कि नहीं इसको आप लोग कर लीजिएगा फिर नेक्स्ट क्या है अच्छा ये फैक्टराइज है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 24 ये है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² y प्लस 54xy² ठीक है तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे ये x³ प्लस y³ प्लस 3a² b x² y प्लस 3xy² ऐसा है ना है कि नहीं तो x³ क्या है यहाँ पर 2x का होल क्यूब है क्या ये 2x का होल क्यूब है ना तो 2x का होल क्यूब है प्लस ये 3y का होल क्यूब है कि नहीं प्लस अब यहां पर देखिए हमको a मिल गया और b मिल गया अब 3a² b यानी कि 3 इंटू ये 2x का होल स्क्वायर इंटू ये b यानी इंटू 3y प्लस 3ab² 3 इंटू क्या है 2x इंटू ये 3y का होल स्क्वायर क्या ऐसा नहीं लिख सकते देखिए ना 2 का क्यूब 8 होता है x³ होता है तो 2x का होल क्यूब है ये और ये क्या है 27 किसका क्यूब है 3 का और y³ किसका क्यूब है y का थर्ड ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4x² हो जाएगा इंटू ये 3y होगा इंटू ये 3 होगा तो 3 4 जा 12 12 3 जा 36 तो 36x² y है कि नहीं है ना और यहाँ पे वैसे ही ये 3 इंटू 2x इंटू ये 3 का स्क्वायर 9 9y² 3 2 जा 6 6 9 जा 54 है ना तो इनको मिला करके 54xy² हुआ ना है कि नहीं बस हो गया ये क्या हुआ तो ये क्या है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² यानी कि a प्लस b का होल क्यूब है ना ये तो वही हो गया 2x प्लस 3y का होल क्यूब कोई दिक्कत तो इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 के है ना ठीक वैसे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है इसको फैक्टराइज करके शॉर्ट फॉर्म में लाना कर सकते हैं ना ये a प्लस बी का होल क्यूब है a माइनस बी का होल क्यूब है कोई दिक्कत ये सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना तो 99 का क्यूब है तो क्या होगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब ये 102 का क्यूब है तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब कर सकते हैं ना तो फॉर्मूला लगा करके फिर इसके बाद ये फैक्टराइज करना ये वाला अभी जो क्वेश्चन बताया था उसके जैसा है ना और 9th क्वेश्चन से फिर कल करवाएंगे आप लोग 8 तक करिए है ना ओके बनेगा